गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्ड झञ्झावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परं महाकालं नमाम्यहं। परं महाकालं नमाम्यहं। आज दूसरा दिन है, 9 दिन की साधना है और हर साधना में एक एक आयाम बढ़ता चला जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पाया। आज का गीत है माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित हो कर्मा दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित हो कर्मा दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए। हंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। वह हास हमें दो हे माँ सारा जग मुस्काए। वह हास हमें दो हे माँ सारा जग मुस्काए। जीवन भर ज्योति जले माँ पर स्नेह न चुक पाए। जीवन भर ज्योति जले माँ पर स्नेह न चुक चुक पाए।
अभिमान न हो उसका मां जो कुछ कर पाते हैं। अभिमान न हो उसका मां जो कुछ कर पाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। विश्वास करो हे माता हम पुत तुम्हारे हैं। विश्वास करो हे माता हम पुत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हे माँ हम दूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हे माँ हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ बस कर्ज चुकाते हैं। श्रद्धा पूरित हो कर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित हो कर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। हे माँ शीश झुकाते माँ शीश झुकाते हैं। ये भाव भरा गीत सुनने के बाद हम आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, मेरे साथ गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराच तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे तस्मै श्रीगुरुवे। हम लोगों ने कल शारदीय नवरात्रि के पहले दिन साधना यात्रा आरंभ की थी। आज उस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये उपदेश सार है गीता का। अंतिम स्थिति में पहुँचते पहुँचते हम लोग गीता का सार पढ़ रहे हैं, गीता का सार सुन रहे हैं। गीता का सार और उसकी महिमा का चिंतन। भगवद गीता का एक एक श्लोक महामंत्र है। एक एक श्लोक में मर्म छिपा पड़ा है और उसको जो पढ़ेगा जो सुनेगा उसका लाभ मिलेगा। महर्षि अरविंद जब जेल में थे, अलीपुर जेल में,
उन दिनों जेल में रहकर उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया और श्रुतियों पर गीता के श्लोकों पर गहरा चिंतन किया और निकल के आने के बाद उन्होंने ग्रंथ लिखे। जब वो पांडिचेरी चले गए वहाँ जाकर के उन्होंने जो लिखा वो अमृत है, पूरा पढ़ने लायक है। मैं जानता हूँ कि सबकी समझ में नहीं आएगा वो, पर जब पढ़ेंगे एक बार दो बार तीन बार चार बार तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक बहुत बड़ा अमृत है। इसके अर्थ बड़े गहरे हैं बल्कि इनकी चेतना भी बड़ी गहरी है और इनमें ऐसी चैतन्यता है कि जब इनका ध्यान करते हैं तो ये देव देव प्रतिमा की तरह से, श्लोक जो हैं देव प्रतिमा की तरह से, देव मूर्ति की तरह से हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के हमें उपदेश देते हैं। समझ में आया तुमको कुछ हमने जो इसमें मंत्र में बोला है? मैं समझ में आया, भगवद गीता के श्लोकों पर गहरा चिंतन करने की जरूरत है। हजारों लेखकों ने इन पर चिंतन किया है और लिखा है। हमारे जीवन की अनेक गुत्थियाँ, हमारे जीवन के अनेक अनेक समस्याओं के समाधान इन गीताओं, इन श्लोकों से मिलता है। आज हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं वह है 18वें अध्याय का 66th श्लोक, 66वां। अपने देश में जगह जगह अलग अलग उच्चारण की तकनीकें हैं, इसलिए मेरी गलती भी हो सकती है। 66वां 66 इंग्लिश में बोल देने पे ये लगता है कि अब समझ में आ गया है, 66 ठीक है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, उन्हें उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सबको मालूम है श्लोक, श्लोक सब धर्मों को छोड़कर, सब चीज़ों को छोड़कर तो मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा, मैं तुझे सर्व पापेभ्यो, सभी समस्त पापों से, पाप की ओर ले जाने वाली धाराओं से हटाकर माँ मोक्षयिष्यामि माँ शुच, मैं तुझे मोक्ष दिला दूँगा, तुझे मुक्ति कर दूँगा, तेरी मुक्ति कर दूँगा। 18वें अध्याय का 66th श्लोक। इस श्लोक अर्जुन के लिए कहा गया है पर हम सब के लिए, हम सब के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जीव मात्र के लिए यह आश्वासन है ईश्वर का, कि भगवान कहते हैं माँ शुचः, शोक मत कर। अंतिम शब्द इस श्लोक का था, माँ शुचः, शोक मत कर, तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरा पुत्र है, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा शिष्य है, शुचः, शोक मत कर, कोई हो न हो तुम्हारे साथ मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ, मैं करूँगा तुम्हें निर्भर, मैं तुम्हारे को तुमको भार मुक्त कर दूँगा, मैं करूँगा तुम्हारे दुखों को दूर। इस बात को समझो, इस बात को मानो। भगवान ने इस श्लोक में एक इतना बड़ा आश्वासन दिया है जिसको कि हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। सर्वधर्मान का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों को, सभी मार्गों को, जितने भी मार्ग, जितने भी धर्म, जितने भी परंपराएं चल रही हैं जिनकी, उन सब से मैं तेरे को हटा के अलग ले चलूँगा। जीवन में बहुत मार्ग हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत देव शक्तियां हैं, देवी शक्तियां हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी पूजा की विधियां हैं, बहुत सारे धर्मों का विवरण दिया गया है और इसमें कुल धर्म है, जाति धर्म है, अनेक अनेक पथ हैं, अनेक अनेक मत हैं। भगवान कहते हैं इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरी शरण में आ जाओ। भगवान का कोई पथ नहीं है, भगवान तो निरपथ, हर चीज़ से दूर है। मुझको पहचानो और सारे मन, सारी पथ, सारी देव शक्तियाँ, सारी चीज़ें अगर तुमको पता चलेगा मेरी तरफ ही आती हैं, मेरी तरफ यानी भगवान कृष्ण की तरफ। भगवान कृष्ण यानी एक ऐसा धर्म जिस धर्म में कोई अनावश्यक कोई बात नहीं। कहते हैं परित्यज्य, इसे छोड़ दो, इस भार को नहीं ढो सकते, इसे मत ढो, इसे त्याग दो। भगवान कहते हैं इसे त्यागने में बाधाएं तो हैं, वो बाधाएं तुम्हारी ओर से ही हैं।
कभी आसक्ति की बाधा है, कभी अहंता की बाधा है, कभी ममता की बाधा है, उस समय कहते हैं अरे छोड़ो, त्याग दो, छोड़ो इसको। कैसे? जाके प्रियन राम बेदे तजिए ताही कोटि बेरीसम यद्यपि परम सने। तुलसीदास जी ने ये लाइन जो पंक्ति है ये मीरा को सुनाई थी, जाके प्रियन राम बेदे ही जो जो तुम्हें पसंद न हो तजिए ताही कोटि बेरीसम यद्यपि परम सने। मामे ये बहुत बढ़िया लाइन है, तुम नोट कर लिया तुमने, ये तुम लोगों की भी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के जीवन में लागू होता है। तजिए ताही कोटि बेरीसम, चाहे कितना भी हो आपको लगे या हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, यद्यपि परम स्नेह, आपका स्नेह हो उसके प्रति तो वह आपको नुकसान करेगा। मामे कम शरणम भजो, भगवान कहते हैं मामे कम, मेरी तरफ जो आने में बाधा है, प्रभु की शरण में आने में जो बाधा है उसे छोड़ो। उस समय जी कहते हैं बलि गुरु तजियो, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बन तिन, कंत ब्रज तिन बलि तिन। भगवान कहते हैं कि बलि ने गुरु छोड़ा अपना और दूसरा भगवान को माना। कंत ब्रज बन तिन, जहाँ जितनी भी गोपियाँ थीं उन गोपियों ने कृष्ण की बात करना छोड़ दी, उन्होंने कहा हम तो भगवान को ही चाहते, बस भगवान को चाहो, भगवान को मानो, भगवान की मानो, अगर ये समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रभु की शरण आने में जो बाधा हो उसे छोड़ो। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, ब्रज की नारियों ने पतियों की वर्जना नहीं मानी, और कहते हैं कि भरत ने अपनी माँ का त्याग किया, कितने रिश्ते हैं, कितने नाते हैं, सबका त्याग करते चले गए क्योंकि प्रभु को पाना है। मित्रों, मैं जब यहाँ आया, थोड़ा सा मैं अपने उदाहरण इसलिए देता हूँ ये सबको समझ में आ जाए, ये प्रैक्टिकल, मैं जब यहाँ आया तो मेरे पिताजी ने विरोध किया मेरा कि तुमसे ज़्यादा तो हम गुरुदेव से जुड़े हैं। मैंने कहा जुड़े हो आप तो मानता हूँ मैं, पर पिताजी ने कहा कि तुम क्या करोगे जाके। हमने कहा हम तो गुरुजी काम करेंगे। बोले वो तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, तुम भी करो। मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगा। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछ लिया, मैंने कहा वो तो हमारे साथ हैं, थ्रू आउट हमारे साथ हैं, जीवन भर का साथ देने के लिए आई हैं वो, तो इसलिए कोई बात ही नहीं है। तो उसके बाद पिताजी ने कहा कि अगर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। मैंने कहा मैं देखरेख करूँ, मैं वहाँ से भी आपकी देखरेख करता रहूँगा, मेरे बाद मेरा एक छोटा भाई है वो आपकी देखरेख करेगा, मेरी दो बहनें हैं जो आपकी देखरेख करेंगी, मेरी माँ जो आपकी देखरेख करेगी। पिताजी बहुत नाराज़ हुए और मैं चला आया, जीजी को लेके मैं यहाँ आ गया। मैं तो आ गया पर हमारे पिताजी ने बहुत भयंकर अनुष्ठान लिया। गुरुदेव का चित्र रहता था सामने और निरंतर माला करते थे, कोर्ट जाते थे, जज थे, रिटायर नहीं हुए थे, तो बोले कि मैं तब तक करूँगा जब तक कि गुरुदेव पिघल नहीं जाते, गुरुदेव इसको मेरे बेटे को वापस नहीं कर देते तब तक मैं माला करता रहूँगा, जप करता रहूँगा। पिताजी ने जप किया, पिताजी ने निरंतर करते रहे, होता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मेरा यहाँ आना और आने के बाद मेरा काम करना, और गुरुदेव ने जो मुझे काम सौंपा अखंड ज्योति के लेख लिखने के लिए, तो मैंने लिखना चालू किया। और उसके बाद फिर धीरे 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 मैं रम गया यहाँ के माहौल में, और गुरुदेव की रोज़ मीटिंग होती थी, गुरुदेव की रोज़ गोष्ठी होती थी, क्योंकि ये भगवान का पथ था इसलिए कहीं कोई निराशा नहीं हुई। घर की याद भी नहीं आई है भाई, पिता जज थे, जज होने के नाते उनके पास सारा सुख था, सब था। मैंने उसको भी छोड़ा, वहाँ से सामान भी बहुत गिना चुना लेके आया था, उसी में मैंने काम चलाया,
और यहाँ नीचे आप जब ऊपर जाते हैं सीढ़ियों पे, तो उसके कोने में एक कमरा है, उस छोटे से कमरे में हम लोग रहे 5-6 साल तक रहे, और उसमें रहे और उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। पिताजी ने चिट्ठी लिखी गुरुदेव को कि ये इसने गलत काम किया है और ये आप इसको समझाइए। तो गुरुदेव ने कहा कि यहाँ आना गलत काम नहीं है। गुरुदेव ने जो पत्र दिया मेरे पिताजी को कि यहाँ आना गलत काम नहीं है, हम भी आए, हमारी पत्नी भी आई साथ में, और हमारे साथ साथ पूरा एक काफिला आया है जो यहाँ काम कर रहा है, तो आपका पुत्र भी हमारे उसी काफिले में बैठ गया है, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, बहुत काम करेगा वो। मालूम नहीं पिताजी को समझ में नहीं आया। एक साल तक गुरुदेव की पिताजी की तपश्चर्या चलती रही और मेरी भी चलती रही, मैं गुरुदेव का काम करता रहा। मैंने तो कोई अपनी ओर से कोई ये नहीं किया कि भाई मेरे पिताजी बुला लें, मेरे पिताजी बुला लें। मैंने एमडी कर लिया था, एमडी करने के बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं नौकरी कर रहा था, सब कुछ था, पर मैंने किसी तरह का प्रलोभन मन में नहीं रखा तो उस तनख्वाह का क्या होगा जो मेरे को तनख्वाह मिलती थी। उस ज़माने में मुझे मिलते थे 55,000 रुपये पर मंथ, तो वो एक बहुत बड़ी तनख्वाह है उस ज़माने के हिसाब से। मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 77 और 77 में मुझे तनख्वाह इतनी मिलती थी, तो वो सब तनख्वाह का प्रलोभन छोड़ कर मैं आ गया। मित्रों, गुरुदेव ने एक पत्र लिखा, गुरुदेव ने पिताजी के नाम एक पत्र लिखा, वो पत्र सबके पढ़ने लायक। मैंने उसको एक बार उसके अंश को छापा था अखंड ज्योति में बहुत साल बाद, तो अगर आपको सुनना हो, पढ़ना हो, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। पिताजी ने लिखा कि आपके पुत्र यहाँ सही ढंग से काम कर रहे हैं, आपको किसी तरह की चिंता नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे हैं, अपने हैं, और आपके लिए हमने एक कोठरी बना के रखी है पूरी पूरी 2 कमरों 3 कमरों की, जिसमें आप आकर रहेंगे। रिटायरमेंट आपका ड्यू है, नज़दीक है, रिटायरमेंट नज़दीक है, तो अब आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ आ जाइए। गुरुदेव ठाकुर किसको बोलते हैं? ठाकुर वो जो लाठी रख के बोल देता है मैं जो कह रहा हूँ वही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? जानते हैं ठाकुर किसको बोलते हैं? ठाकुर जाति को नहीं बोलते, ठाकुर उसको बोलते हैं जो लाठी रख दे और कहे कि देखो ये लाठी रखी हुई है और यहीं तक रखेगी, आगे आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। हो गया। उस चिट्ठी को मैंने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा, गुरुदेव ने पढ़ा, और उसके बाद मैंने पढ़ने के बाद समझ में आ गया गुरुदेव ने क्या बढ़िया डिसीजन लिया है, पिताजी ने भी क्या अच्छा डिसीजन लिया है। वो यहाँ आएंगे, वो यहाँ रहेंगे हमारे साथ। रिटायरमेंट ड्यू था, रिटायरमेंट हो गया था, तो पिताजी आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे ऊपर भी फिट होती है। मैंने अपने पिता को छोड़ा, मैंने अपनी माँ को छोड़ा, बाद में वो लोग यहीं आ गए, फिर यहीं रहे। तो मित्रों ये जो चीज़ें हैं लौकिक चीज़ें हैं। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, कहते हैं परित्याज, प्रभु मिलन में बाधाएं हों, जो विघ्न हों, जो अवरोध हों, क्योंकि मुझे बार बार संदेश मिलता था गुरुदेव का कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, जो संदेश मिलता था उसने मुझे यहाँ बुलाया। मामे कम, मुझे एक को पहचानना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं, क्योंकि वो एक जो है भगवान हमारे अस्तित्व का केंद्र है, हमारी चेतनता का केंद्र है, हमारी जीवन चेतना का केंद्र है। वो कहीं किसी मंदिर में नहीं है, कहीं किसी मस्जिद में नहीं है, वो एक अपने ही हृदय में, अपने हृदय में, और किसी एक को पहचानने की ज़रूरत नहीं है। वो है माम एकम, मैं अकेला हूँ, मैं जो मुझे पहचानेगा उसको मैं मिलूँगा। हम बड़ी बड़ी पुस्तकें देखते हैं, बड़े बड़े राज देखते हैं कि ग्रंथ हैं, उनके भटकावे हैं। हम लोग एक छोटा सा गीत गाते हैं, उसकी 2 लाइन गाएंगे, मन के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे।
भ्रम के भटकावे छोड़ो कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो कुछ काम प्रभु का कर लो रे। लुटा रहा यूं पुरुष सिद्धियां चाहे झोली भर लो रे भर लो रे भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो कुछ काम प्रभु का कर लो रे। अब ये भ्रम के भटकावे कौन से हैं? मेरे बाद क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे जब काम करना है भगवान का तो भगवान के काम के लिए आ जाओ। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इन सबको बोल रहा हूँ आ जाओ, सब छोड़ के आ जाओ। भाई हम आपको बुला रहे हैं तो गुरुदेव बुला रहे हैं, हम नहीं बुला रहे। और ये आप देख के चलिए कि आप यहाँ जब आएंगे तो आपके लिए कौन सी चीज़ है, भगवान की शरणागति। आप भगवान की शरण में आ रहे हैं। भगवान जो है वो सबके हृदय में है। प्रत्येक जीवन का एक जो सार है वो अंदर है हमारे। शरणागति जिसको कहते हैं पतंजलि, जिसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान से उस एक की शरण में आ जाओ। प्रणिपात करने से पतंजलि कहते हैं समाधि सिद्ध होती है। शरण में आओ उसकी, कैसे आ जाएं? एक शब्द है संस्कृत में व्रज, व्रज, व्र व के नीचे मात्रा और व्रज, निमंत्रण है खुला। मैं थोड़ी देर तक उसको बोलूँगा। व्रज जो है बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। आपने सुना होगा मथुरा के पास व्रज है ना? ये व्रज जो है भगवान कृष्ण के चलने के कारण और इस वजह से लोगों को जो है वो व्रज की यात्रा का महत्व पता चलता है। व्रज की यात्रा, व्रज माने होता है चलना। व्रज धातु का अर्थ है चलना। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ संस्कृत, मैं बता रहा हूँ कि मतलब व्रज जो है उसका मतलब है चलना। संस्कृत में इसे कहते हैं, और व्रज एक और भी है, कहते हैं मथुरा का पास का जो भगवान का क्षेत्र है वो 14 कोस का व्रज है। हम भी तो 84 कोस की परिक्रमा लगा के आए। कई लोग हमसे कहते हैं, कई लोग कहते हैं हम अभी मुंशियारी की यात्रा करके आए हैं, कई लोग कहते हैं हम इसके बाद हम 4 कोस की चार धाम की यात्रा करके आए। कहते हैं कि नहीं, कहते हो कि नहीं आप लोग? जब करते हो आप कहते आए हो, कहते हो तो इसलिए कहते हो कि आप महत्व बताते हो अपना कि हम देखो इतना करके आए। पर 84 लाख योनियों में हमने भ्रमण किया है, हमने भी यात्रा की अपनी 84 लाख योनियों में यात्रा करके हमको गुरुदेव मिले तो हम उनके पास आ गए। भगवान कहते हैं अब तक तो तुम चलते रहे, अब ठहर जाओ। व्रज का मतलब है अब ठहर जाओ, आ जाओ, मैं बुला रहा हूँ, आवाज़ तुमको दे रहा हूँ, आ जाओ शरण में मेरी, तुम आओ। साथ दे जाओ जरा आवाज़ तुमको दे रहा हूँ, हाय उठवाओ जरा आवाज़ तुमको दे रहा हूँ, साथ दे जाओ जरा आवाज तुमको दे रहा हूँ, हाय उठवाओ जरा आवाज तुमको दे रहा हूँ, साथ दे जाओ जरा। ब्रज का मतलब है चलना, और चलो हमारे साथ। गुरुदेव कहते हैं हमारे साथ चलो। अब आपने अब तक कितनी यात्रा कर ली, कितने आपने बिजनेस कर लिए, कितने आपने पिया, बहुत सारे ऑफिसेज में काम कर लिया, इसके बाद अब एक ठहराव आने दो, एक जिसमें आप रुक सको। ठहराव आएगा तभी पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। भगवान जो है वो कहते हैं कि बहुत भटक लिए, बहुत भ्रमित हो लिए, बहुत बुलावे में घूमते रहे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मामेकम। भगवान आश्वासन देते हैं, भगवान कहते हैं अहम, ये जो अहम है ये परमेश्वर का नाम है। देखो अहम का मतलब ये मत मानना कि मेरे लिए है, ये
अहम भगवान का नाम है। अगर आपने भगवान को समर्पित कर दिया अपने आप को, तो अहम को समर्पित कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। अहम भगवान का नाम है, हमारी इसमें शुद्धता नहीं है, अहंता नहीं है। हम भी अहम अहम करते रहते हैं, लेकिन हम जब अहम कहते हैं कि मैंने किया, ये भवन मैंने बनाया, ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, ये दुनिया भर की हम बकवास करते रहते हैं, दुनिया भर की बातें बोलते रहते हैं, पर ये नहीं सोचते कि ये तो भगवान ने किया है, मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। ये अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि ये ब्रह्मा का, भगवान का नाम है, भगवान का नाम, और परमेश्वर की चेतना की पुकार है, प्रत्येक जीव की पुकार है, प्रत्येक जीव को आश्वासन दे रहे हैं भगवान, हमें और आपको भी, सबको। ये त्वाम जो है ना, वो कहते हैं त्वाम, त्वाम यानी त्वाम शब्द में संपूर्ण जीव समाया है, सबका उद्धार करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं, किसी एक का नहीं। जब भी भगवान आते हैं धरती पर, तो किसी एक का नहीं, बल्कि सबका उद्धार करने के लिए आते हैं। अगर भगवान आए हैं तो सबका उद्धार करें, इसमें कोई एक कार्य नहीं होगा, बल्कि इनके साथ अनेकों कार्य होते हैं। अहम त्वम, अहम ये अहम व त्वा, मैं और तुम, ये संबंध बड़े व्यक्तिगत है। हम समझते हैं अहम यानी मैं, त्वा यानी तू, हम बोलते ना अहम त्वा, त्वा यानी तू, ये व्यक्तिगत संबंध हैं, बड़े गहरे, हमने पहचाना नहीं है। उपनिषद कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये उपनिषद में आई कथा। जो अर्जुन कृष्ण की मित्रता है, ये अनंत अनंत काल से चलती चली आ रही है। भगवान बार बार अर्जुन से कहते हैं तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है। ऐसा नहीं कि भगवान के मित्र केवल अर्जुन है, भगवान के मित्र हम सब हैं। जो गीता को पढ़ते हैं वो भी सब हैं, जो गीता को जीवन में उतारते हैं वो भी सब हैं। हम सब भगवान के मित्र हैं, हम उनके सखा हैं भगवान के। बस ये अगर मन में ले लिया तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। भगवान के मित्र हम सब भी हैं, उपनिषद इस बात की साक्षी हैं। उपनिषद कहते हैं एक वृक्ष पर दो दो डाली, एक एक डाली है जिसमें दो पक्षी बैठे हैं, एक ऊपर की डाल पर, एक नीचे की डाल पर। नीचे की डाल वाला पक्षी नीचे की ओर देख रहा है, संसार की ओर देख रहा है, और जो फल खाता है, बंधता है, दुखी होता है, परेशान होता है, भगवान को पुकार। ये कहानी सुन लेना, बहुत मज़ेदार। और जो हंसता है भगवान, भगवान बार बार कहते हैं कि ये वही है द्वा सुपर्णा सविजा सखाया, मित्र है, दुनिया की मित्रता, दुनिया के संबंधों को हमने सब तरफ से देखा, परखा, समझा, जाना। भगवान कहते हैं दूसरे पक्षी की तरह देखो ना, ऊपर की तरफ तो देखो, मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पास हूँ, अहम तो ये मेरी और तुम्हारी बात है, बड़ी निजी बात है। बहुत भटक लिए 84 लाख योनियों में, बहुत भटक लिए, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम है कौन सी योनी है, परंतु आपको नहीं मालूम है कि इन सब योनियों में भटक भटक के आप मनुष्य योनी में आए हो। कितना किया तुमने, कितने कितना भारी बोझ, चित्त की बढ़ते, चित्त की मलिनता, उसके और हर एक की चिंता, घर की चिंता, पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, अब जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे हो, पढ़ रहे हो, अपने घर का काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और दोनों को दुकानदारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये सब ऐसा है जैसे कर्ज के भार से लदा हो। कर्जदार उसके लिए बार बार तकाजा करते हो, वो सोच रहा है गलती तो की हमने, कर्ज करके हम खा गए, कर्जा लेकर के पैसे को बर्बाद कर दिया। भगवान कहते हैं चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ, अहम अहम अस्मि, मैं हूँ, मैं हूँ, चिंता क्यों करते हो। नरसिंह मेहता के एक कहानी है छोटी सी। नरसिंह मेहता के ज़माने की बात है, सांवरिया सेठ उनकी कहानी है। उनकी एक बेटी थी, बेटी का भात भरना था। भात भरना सब समझते हैं ना, बेटी के ससुराल में सामान जाना था और नरसिंह मेहता के पास कुछ नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो। नरसिंह मेहता भगवान के बहुत गहरे भक्त थे, उनके पास तो वही उनका एकमात्र सांवरिया सेठ भगवान कृष्ण थे, उन्हीं की आराधना, उन्हीं पर विश्वास। पत्नी बोली सब सामान कहाँ से आएगा, आप कुछ करो तो सही, किसी से मांगो, कहीं से लेके आओ।
ससुराल वालों ने बेटी को ताना दिया, तुम्हारा बाप तो कंगाल है, क्या देगा, भात भरने का सामान कहाँ से आएगा। भगवान को प्रार्थना की सांवरिया सेठ ने, भगवान गाड़ियाँ लेकर पहुँच गए, करीब करीब 50-60 गाड़ी भर के सामान आया, पूरा सामान लेकर के इतनी सारी गाड़ियाँ आई कि उनसे बेटी का ससुराल का घर भर गया। अब प्रश्न आया, भाई कौन है ये? कृष्ण जी बोले, हम सांवरिया सेठ के कुंडी चलाते हैं और उनके बहुत दिनों से हमारे ऊपर कर्जा था, हमने उसको कर्जे को चुका दी। नरसिंह मेहता की खबर आई है कि उनकी बेटी की शादी है, उनका बहुत सारा पैसा हमारे पास जमा था, हम उसको चुकाने आए। तो भगवान कहते हैं, ये चिंता मत करो कि तुम्हारा कितना भार है, मैं उसे चुका दूंगा। जैसे हमने नरसिंह मेहता का चुकाया, एक बहुत अच्छी कविता है इसमें नरसिंह मेहता का भार किस चुकाया, उसमें उनका उल्लेख आता है, मैं उसे चुका दूंगा। नरसिंह मेहता गुजरात के थे और उनका पूरा भार चुका दिया। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, मैंने तुम्हारा पाप भी धोया है, तुम्हारे को साधन भी दूंगा, तुम्हारे चित्त में कितना भार है उसको भी मैंने मिटाया है, कितने कर्मों को मैंने पड़ते ला दी हैं उनको भी मैंने निकाला है, कितनी विसंगतियां हैं मैं इन सब से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। भगवान कृष्ण सूक्ष्म में मैसेज देते हैं नरसिंह मेहता को, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षी सर, मैं मुक्त कर दूंगा, मैं मुक्त कर दूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं तुमको इन सब से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि शब्द कई जगह आया है, आप लोगों ने एक श्लोक पढ़ा है ना, ये इसका महामृत्युंजय मंत्र का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ये महामृत्युंजय मंत्र बड़ा प्यारा मंत्र है, इसमें कहा गया उर्वारुकमेव बंधनान, जो खरबूजा है वो बंधा रहता है अपनी बेल में और तोड़कर अलग हो जाता है, ऐसे ही महामृत्युंजय मंत्र में कहा गया मैं तुझे मृत्यु की बेल से तोड़ लूँगा। महामृत्युंजय मंत्र कहता है मैं तुझे मृत्यु की बेल से तोड़ लूँगा, तो चिंता मत कर मैं तुझे मुक्ति दूंगा। अभी तक हम जो 84 लाख योनियों में भटकते रहे, बार बार हमारे गले में मृत्यु की फांसी पड़ती रही, भगवान कहते हैं तुम्हारा मृत्यु के मुख से मोक्ष हो जाए। भगवान का पथ अगर आपने स्वीकार कर लिया चलने का, तो आपको एक सबसे बढ़िया मुक्ति मिलेगी कि आपको कष्ट नहीं होगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। भगवान कहते हैं जो पाप हैं, जो संताप हैं, जो त्रासदी हैं, वो उससे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मत कर शोक, मत परेशान हो, मोक्ष इष्यामि माँ शुचः, मैं तुझे मोक्ष दिला दूंगा माँ शुचः, तू ये मान के चल कि मैं तेरे साथ हूँ। ईश्वर वचन है, ईश्वर साक्षी है, इस पर बार बार गहराई से अनेक बार चिंतन करने की जरूरत है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान, धर्म क्या है, धर्म ये नहीं है हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म और ये नहीं है। धर्म के बारे में कितनी चीज़ें हैं हम कभी सुनते हैं, सनातन धर्म और ये सब, तो ये तो केवल उनके नामकरण कर दिए गए हैं। बहुत सारे धर्म हैं, ईसाई धर्म है, अपने देश में बहुत सारी जगहों पर हम जाते हैं तो अनेक तरीके के नियम वहाँ देखते हैं, इस तरह बहुत से नियम हैं, बहुत बातें हैं, समझ में नहीं आता किस की बात माने। भगवान कहते हैं बोझ लग रहा है क्या तुमको, परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो ये सब बातें, कोई कहता है ये बात, कोई कहता है ये बात, ऐसा मत मान। भगवान कहते हैं अगर ये सब नहीं समझ में आता है तो परित्यज्य, परित्यज्य का मतलब क्या है, भली प्रकार छोड़ दो, भली प्रकार छोड़ दो। छोड़ना बहुत आसान है और कठिन भी, आसानी से कोई छूटता नहीं। भीष्म जानते थे कि पांडवों के पक्ष में कृष्ण हैं, लेकिन मर्यादाएं उन्होंने जकड़ी हुई थी, वचन उन्हें जकड़े हुए था, वचनबद्धता उन्हें जकड़ी थी, जबरदस्ती बंधे हुए थे भीष्म कौरवों के साथ। लेकिन दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, समाज क्या कहेगा, नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, इसलिए भीष्म छोड़ नहीं पाए। जानते थे दुर्योधन अधर्मी हैं, ये बात जानते थे, पर उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। सबके हृदय में परित्यज्य के लिए मीरा जैसा साहस चाहिए, परित्यज्य के लिए मीरा जैसा साहस चाहिए।
असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोली। मीरा ने लिखा है अपने गीतों में, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई। सब में मीरा जैसा साहस नहीं होता। मीरा राजरानी थी, सब कुछ सुख थे उसके पास, राज परिवार की अनेकों मर्यादाएँ थीं। परित्याज शब्द सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन करने में बहुत बड़ा है। छोड़ना आसान नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ सबको, पर परित्याज शब्द इतना कठिन है, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। किसी भी चीज़ को छोड़ना, अपना घर, अपना परिवार, अपना अपने रिश्तेदार नातेदार सब। हम देखते हैं हमारे अस्तित्व का रोया रोया बंधा हुआ है, बहुत सारी बातों से बंधा है, रिश्तों से बंधा है, नातों से बंधा है, बातों से बंधा है, कुल के धर्म से बंधा है, मर्यादा से बंधा है। इसको छोड़ने के लिए साहस चाहिए, राजरानी जैसा, मीरा जैसा, वैसा साहस चाहिए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोल, ऐसा क्यों कहती हैं वो? मीरा को कम प्रताड़ित नहीं किया लोगों ने, उनको याद था सर्वधर्मान परित्यज्य। बहुत दिनों तक उनको याद रहा ये, सब धर्मों को छोड़कर चले चलो, तो उन्होंने निभाया कुल धर्म को बहुत दिनों तक। पर उन्होंने कह दिया मैं छोड़ दूंगी, चिट्ठी लिखी उन्होंने, जाके प्रिय न राम वे देही, तजिए ताही कोटि बे रीसम, यद्यपि परम स्नेही। पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने अपनी माँ को छोड़ा, तो ये इतनी चीज़ें हुई, इसके बावजूद भी इन लोगों ने किया, तुम कर सकती हो क्या? माँ में कम मुझे एक को पहचानो, मुझे एक को पहचान लो। किसको पहचानो? भगवान को। भगवान कहाँ है? भगवान सब जगह हैं, और उसमें भी हैं जो आपको आमंत्रित कर रहा है। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, ईश्वर सर्वदूषा सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं हृदय देश में रहता हूँ, आपको पता बता रहा हूँ, सबको पता, भगवान का पता, हृदय देश में रहता हूँ, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। 18वां अध्याय का 61वां श्लोक, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। इसी एक को पहचानना है, और कहीं जाना नहीं है। भाई आपको कहीं जाना है तो आपके पास एक उसमें मोबाइल से पता आ जाता है, सब आ जाता है, आपको पता मिल जाता है, आपके पास डिटेल आ जाती है पूरी, तो आप सीधे वहीं जाते हैं, और कहीं नहीं जाते। और कहीं जाएंगे तो आप फालतू में पिटेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि आप गलत जगह आ गए। इसलिए कहाँ जाना है? जहाँ आपका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर, ईश्वर हमारा लक्ष्य हो। हृदय मंदिर में है भगवान, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं का आश्वासन है। मैं कहीं और से नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय से ही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे हृदय से ही बोल रहा हूँ। हम तो मैं तुमको जो भटक रहे हो ना, बाहर बाहर देखा तुमने सब जगह, तो अंदर देखा ही नहीं, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप कोई जानबूझ के नहीं करता, गलती से हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यक्षराज कुबेर के बेटे थे नल कुबेर। यशोदा जी के दरवाजे में पेड़ बने खड़े थे, यशोदा जी के दरवाजे में पेड़ बने खड़े थे नल कुबेर, उन पेड़ों को भगवान ने उद्धार किया। तुम पेड़ योनि में हो, तुम वृक्ष योनि में हो, तुम पशु योनि में, तुम कहाँ हो? यहाँ पर भी हो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। अहम त्वाम सर्व पापे भी। वेद कहते हैं एकम सद विपरा बहुना वदंती। भटको नहीं, भ्रम में न पड़ो, अनेक नाम और अनेक रूप में वही एक तत्व है, वही एक परमात्मा है। बेकार का श्रम मत करो, बेकार भटको मत, उस एक को पहचानने की कला समझो, सीखो। कला सीखने का नाम है आध्यात्मिक पुरुषार्थ। भगवान को जानने के लिए कला सीखो, और वो एक कहीं नहीं है, केवल तुम्हारे अंदर है, आपके अंदर है।
ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशी अर्जुन तिष्ठति, और यही एक की पहचान है, यही है धर्म का सार, यही है जीवन का सार, यही है मर्म। मुझे एक को पहचानने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, एक काम, अहंकार को गिराना पड़ेगा। मैं जगह जगह मैं आ जाता है तो भगवान हट जाता है। मैं हटाओ, अहंकार गिराओ। किसी एक को पहचानने में अगर कोई बाधा है तो अहंकार। अभी तक जो हम भटकते रहे, व्यर्थ का श्रम करते रहे, निरंतर बुद्धि लगाते रहे, वो किस लिए? इतनी सारी भटकन, इतनी सारी जो खोज, इसकी आवश्यकता नहीं, बस मुझे एक को पहचानो। कहते हैं भगवान, कहते हैं शरणम तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत। एक स्थान भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, अपने आप नाश हो जाएगा विकारों का, विषादों का। व्रज, व्रज जो है वो आमंत्रण है आपके आने का। व्रज, VRAJ, व्रज आने का निमंत्रण। कहते हैं इसके लिए कुछ अधिक नहीं करना। भगवान व्रज शब्द क्यों कहते हैं? व्रज कहते हैं चलने को। कहाँ बैठे हैं भगवान? हमें वहाँ से पुकार रहे हैं। भगवान कहीं और नहीं है, हमारे हृदय में बैठे हैं। अपने उन हृदय में आने के लिए व्रजति चलना पड़ता है, कहीं पहुँचना पड़ता है, नहीं कहीं हमारे अंदर ही। अगर हम देखें अपने जीवन में तो सबसे दूर यदि हम किसी से हैं तो अपने आप से। सबसे दूर हम किसी से हैं तो अपने आप से। शरीर को तो रोज नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े पहनते हैं अच्छे से अच्छे, ये बार बार सोचते विचारते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर कभी अंदर नहीं देखते, वह अंदर से क्या पुकार आ रही है ये भी नहीं देखते। ये हमारा अहंकार जो हमें बराबर परेशान करता रहता है। लेकिन जो हमारा परिचय नहीं है, हमारा परिचय जो है, मेरा परिचय है डॉक्टर प्रणव पंड्या, और मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हूँ, और उसके अलावा इतने बड़े परिवार का अभिभावक हूँ, ये सब मेरा परिचय। पर ये मेरा परिचय नहीं है, ये मेरा परिचय नहीं है। मेरा परिचय ये है कि मैं भगवान का एक अनुचर हूँ, दास हूँ, मैं परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य हूँ, ये मेरा परिचय। असल जब ये कहेंगे तो आपका परिचय सही। हमारे ऊपर कर्मों का मल लदा हुआ है, निर्मल हो जाओ। कर्मों का मल है अगर, तो मल से निर्मल हो जाओ। हमारे ऊपर बहुत सारे विघ्न बाधाएं हैं, विक्षेप हैं, इनका अंधियारा छाया हुआ है। व्रज जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? मामेकम शब्द विचार में लाया जा सकता है, क्योंकि भगवान एक हैं। सभी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऊपर हाथ करके कहते हैं अल्लाह महान है, वही एक है और कोई नहीं है। उपनिषद भी कहते हैं, सब बातें कहते हैं, सब चीज़ें कहते हैं। कई लोग, कई जगह हम देखते हैं, कई जगहों पर भगवान की मूर्ति होती है। मस्जिदों में कोई मूर्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान एक है, उसी को पुकार रहे हैं। लेकिन वो एक भगवान हमें भी पुकार रहा है, एक भगवान हमें भी पुकार रहा है। भगवान को पुकारते हैं, मंदिरों में देखें, मस्जिदों में देखें, कई जगहों पर देखें, लाउड स्पीकर लगा कर लोग पुकारते हैं भगवान को, अरे भगवान कहाँ हो, हमारी सुनो। पर हम कभी अपने अंदर नहीं सुनते, अपने अंदर की सुनो, चिल्ला चिल्ला कर सुनो कि यहाँ भगवान बैठा है। कबीर तो कहते हैं काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई मनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। या खुदा बहरा हो गया है, मस्जिद की मीनार पे चढ़ के जोर से बोलता है, अरे इन लोगों ने रहा नहीं पाई, पंडितों ने भी, मुल्लानों ने भी, किसी ने भी, इन दोनों ने भी रास्ता नहीं खोजा। क्यों, ऐसा क्या है, रास्ता कहाँ से है, पगडंडी कहाँ जाती है? भगवान जी से एक शब्द के लिए कहते हैं व्रज। उस व्रज शब्द में समस्त साधनाएं, समस्त धर्म, समस्त मत, समस्त संप्रदाय अपने आप आ जाते हैं। व्रज सार है और यही यात्रा है, यही परिक्रमा है, यही व्रज भूमि की परिक्रमा है, यहीं चलना है और यही हमारी अंतर यात्रा है।
भगवान स्पष्ट कर कहते हैं कि व्रज में चलो, अंतर यात्रा में चलो। पतंजलि जिसको कहते हैं योगश चित्तवृत्ति निरोध, इस अंत में चित्तवृत्ति निरुद्ध का परिणाम बताते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो पहले ही बता देते हैं, अंत में जाके कहते हैं उससे तुम्हारी क्लेश की निवृत्ति हो जाएगी, इससे क्लेश कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। तो व्रज का मतलब समझ में आ जाए तो हम चलना शुरू कर देते हैं। देखो, आपको मालूम है कि व्रज कहाँ है, आप भगवान यहाँ हैं। व्रज का मतलब क्या है? चलना। तो हमको भगवान की तरफ चलना है, हम चलना शुरू कर दें। प्रभु को हम कहते हैं कि आपने पुकारा और हमने अपनी यात्रा आरंभ कर दी, अब आप हमारा हाथ पकड़ करके बचाओ। मैं किसी को भी, आप में से किसी को भी काम छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, अपना बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ सुनो अपने अंदर की, बस सुनो अपने अंदर की। अपने अंदर की सुनोगे तो फिर तुम करने लगोगे वो भगवान चाहते। भगवान श्री राम के पास जब विभीषण जी मिलने पहुँचे, सबने भगवान श्री राम को समझाया, प्रभु पता नहीं कौन राक्षस आया है, कहते हैं कि जय जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आवा। विभीषण आया ना, तो विभीषण तो उसी ड्रेस में आया जिस ड्रेस में वो लंका में रहता था। ये निशाचर राक्षस है, रावण का भाई है, पता नहीं किस कारण आया है, क्या गुप्तचरी करेगा, क्या भेद ढूंढेगा, क्या करेगा, पता नहीं। भगवान बोले जो मेरे पास आया है वो मेरा भक्त है। राम बोले जो मेरे पास आया है वो मेरा भक्त है, ये क्या करेगा, मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं शरण में आ गया है तो मैं उसका त्याग नहीं करूँगा, ये राम का वचन है। भगवान की बातें सुनकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, आगे बढ़कर उन्होंने विभीषण का स्वागत किया, विभीषण को गले लगाया, और प्रभु ने कभी किसी को अस्वीकार नहीं किया। लेकिन अन्य लोग जो बैठे थे, कौन कौन बैठे थे, सुग्रीव और अंगद और ये सब, ये लोग वो शंका जाहिर करते रहे। बाद में पता चला कि वास्तव में विभीषण उनकी मदद के लिए आए हैं, और विभीषण भले ही लंका से आए हों पर वो हैं तो प्रभु के शिष्य, प्रभु के भक्त। प्रभु आप देख लीजिए, आप एक बार विचार कर लीजिए, रावण का भाई ये न जाने क्या करेगा। भगवान कहते हैं एक बहुत बढ़िया लाइन है, सम्मुख होई जीव मोहि जब वही, सम्मुख होई मोहि जब जीव वही, जन्म कोटि अघनासई तब। जो मेरी ओर जरा सी जरा सा भी मेरी तरफ होता है वो उसके में लाखों वर्षों के, जब से वो जी रहा है, जब से वो योनियों में रह रहा है, सारे के सारे पाप मिटा देता हूँ। जब जीव मेरे सम्मुख आ गया, मेरे सामने आ गया, मेरी शरण में आ गया, समझो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। वही बात जो भगवान गीता में कहते हैं, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो माँ मोक्ष से हमी माँ शुचा। चलो तो सही, चलते ही नहीं हूँ भाई, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप क्या करोगे, आप बैठ जाओगे गाड़ी में और कहोगे कि दिल्ली ले चल, चल चले जाओगे क्या, नहीं जाओगे ना, आपको तो उसके लिए तो आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा, नक्शा देखना पड़ेगा। जब आपको भगवान ने बता दिया रास्ता तो फिर आप क्यों गड़बड़ कर रहे हो, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। भगवान कहते हैं सम्मुख होई जीव मोहि जब वही, जन्म कोटि ना से। हम जहाँ भी जाना चाहते हैं, प्रभु के पास जाना चाहते हैं, तो प्रभु को अपने सामने तो देखें, सामने रखें, भगवान ये है हमारे, बस जीव मेरे सामने आ गया, मेरे सम्मुख आ गया, तो मेरी शरण में आ गया, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चलो तो सही, सब निर्भर हो जाओगे। देखो, चलने से आपका भार कम हो जाएगा। हम क्या समझते हैं कि चलने से हमारा भार बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक दो वेडिंग हैं, हमारे पास इतने बड़े बड़े सूटकेस हैं, ये हैं, वो नहीं, वो भार तो अलग चीज़ है, वो लौकिक चीज़ है। आपका भार, आपके अंतरात्मा पर चढ़ा हुआ भार, वो नष्ट हो जाएगा। विभीषण को रावण ने लात मारी, मीरा को परिवार वालों ने दुत्कारा, सबको एक बात समझ में आई, व्रज, सबको एक बात समझ में आई, विभीषण को भी और मीरा को भी, व्रज यानी चल पड़ो,
ब्रज का मतलब है चल पड़ो, ब्रज का मतलब है चल पड़ो, अब रुको मत, सबको एक बात समझ, चल पड़ो। संसार कभी किसी को स्वीकारता नहीं है और यहाँ कुछ मिलता नहीं। जब हम यहाँ आए तो हम चल पड़े बस। मैंने जब यहाँ आया तो मैंने रास्ते में डिसीजन लिया और जीजी से पूछा, जीजी से पूछने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे आना है यहाँ। गुरुदेव से बोल के गया कि मैं आऊँगा यहाँ। उसके बाद मैं चल पड़ा, मैं गया यहाँ से और जाके मैंने अपनी जितनी जिम्मेदारियाँ थी वो मुक्त की, मैंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद मैं यहाँ आ गया। चल पड़ो भाई, आपने सोच तो लिया है पर अभी कुछ किया नहीं। सोच तो लिया है कि हमने ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, पर वो केवल कपोल कल्पना है। कबीर कहते हैं, कहत कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जस चले जुआरी। जुआरी क्या करता है, जुआ खेलता है और फिर अपना हाथ झाड़ देता है, मैंने सब 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 चढ़ा दिया। किसी को बात समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती। आप में से किसको समझ में आती है ये मुझे आप जानते हैं। रावण के अंत तक समझ में नहीं आई, विभीषण को समझ में आ गई। जब संन्यास लेते हैं तब जो कर्मकांड करते हैं उसका नाम है कर्मकांड होता है। विरजा कर्म, अपना खुद का स्वाद श्राद्ध कर देते हैं, स्वाद सब कुछ। ये व्रज है, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें बस चल पड़ते हैं, भगवान की पुकार सुन ली, आपने सुना कि भगवान पुकार रहे हैं। ये पुकार हर किसी के कानों में नहीं पड़ती, हर मन को बेचैन नहीं करती, हर मन को विचलित नहीं करती। अगर सुनाई दिया तो देर न लगाओ। आज इतनी देर से मैं पुकार रहा हूँ व्रज व्रज व्रज, तो सुन लिया तो देर मत लगाओ, देर न लगाओ। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपने गीता प्रेस गोरखपुर का नाम सुना है, सुना है ना? उसमें एक अच्छे लेखक थे, अच्छे भक्त थे, सुदर्शन सिंह चक्र। हनुमान प्रसाद पोद्दार के संपर्क में आए, लिखते बहुत अच्छा थे तो भाई जी ने लिखने का काम दिया। कल्याण पत्रिका में बहुत वर्षों से अच्छे लेख आ रहे हैं, उसमें उनका हाथ बहुत बड़ा है। गीता प्रेस गोरखपुर से लिखते थे कहानी लेख, कई जगह से उनके लेख छपते थे। और उनको उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। एक जब हम छोटे थे बचपन में तो छत पर सोते थे, ये सुदर्शन सिंह जी की बात बता रहा हूँ, मीठी आवाज़ में बड़ी मधुर आवाज़ में हमको कोई पुकारता था, सुदर्शन उठो मैं बुला रहा हूँ तुमको, कब तक सोते रहोगे, मैं बुला रहा हूँ कब तक सोते रहोगे। चक्र जी बताते हैं उस आवाज़ से मेरी नींद खुल जाती थी। मैं अचरज में देखता कहीं कोई है तो नहीं, ऐसा लगा कि कोई बालक तो नहीं है जो यहाँ आके पुकार रहा हो, मुझे सो रहा हूँ उठो, अरे कब तक सोते रहोगे। लेकिन कुछ समझ नहीं आया, लोगों ने कहा तुम्हारे मन का वहम है, तुम्हारा भ्रम है, तुम इसको डॉक्टर को दिखा लो, चेकअप करा लो। भाई ऐसी ऐसी कोई बात आती है अगर मन में तो डॉक्टर को दिखाने के बाद कहते हैं सभी लोग कि भाई तुम्हारे दिमाग में कोई गड़बड़ी है, चेकअप करा लो। फिर हमारे फिर वो लिखते हैं कि हमारे घर में हमारे गांव में एक साधु आए, मैंने उन साधु महाराज को बताया, महाराज जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमारे आसपास कोई नहीं होता, लेकिन एक आवाज़ सुनाई पड़ती, सुदर्शन उठो मैं बुला रहा हूँ कब तक सोए रहोगे। साधु महाराज ने कहा यह आवाज़ कहीं से नहीं आती, यह आवाज़ काना की, कन्हैया की, तुम्हारा जन्मों का रिश्ता है उनसे, उनमें तुम भूले भटके हो, संसार में भटके हो, बहुत सारे कर्म लपेट लिए हैं तुमने, ये आवाज़ उन्हीं की है, भगवान कृष्ण की, यही तुमको प्रेम से बुला रहे हैं, जो गया सो गया, जो बीता सो बीता, अब मत बीतने देना, बार बार बोलते थे, जो गया सो गया, जो बीता सो बीता, अब मत बीतने दो, अब चलो मेरे साथ आ जाओ। ये आवाज़ तुम्हें चेताने के लिए आती है। बाद में जब सुदर्शन जी बड़े हुए, एक समय ऐसा आया जब उन्हें कान्हा के दर्शन होने लगे। सुदर्शन सिंह चक्र जो हैं बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं, उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, वो कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे।
कन्हैया मेरा छोटा भाई, कृष्ण भगवान उनको देख कर से, दादा इतनी देर से सुना तुमने, मैं तो कब से तुमको बुला रहा था। भगवान कृष्ण बोले, मैं तुमको कब से बुला रहा था, तूने सुनने में देरी कर दी। बस सुदर्शन सिंह के साथ हूँ मैं, जो अर्जुन के साथ है वही हमारे साथ। कृष्ण कब से बुला रहे हैं, हमको कब से पुकार रहे हैं, हम उनको आमंत्रण सुन ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन को आमंत्रण है, आमंत्रण तो सबको था। देखो आमंत्रण तो दुर्योधन को भी था, आमंत्रण पांडवों में जितने थे सबका था, कौरवों में जितने सबको था, लेकिन दुर्योधन एक अजब गजब आदमी था। कृष्ण को बांधने चला था वो, तुम उसने कहा कि हम कृष्ण को तुम बांधेंगे रस्सी से। दरबार में गए थे, स्वयं चल के गए थे, पास सब पास गए थे, और चलो इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते तो केवल पांच गांव दे दो, पांच गांव भी नहीं दिए, मतलब बांधो इसको, बांधो इसको, ये आदमी हमारी सारे संपत्ति को लूटना चाहता है, ये जो है कृष्ण, कृष्ण जो है ये गड़बड़ है, पांच गांव तो क्या दें इसको, हम तो कुछ नहीं देंगे। भगवान ने कहा हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, देख गगन मुझ में लय है, देख पवन मुझ में लय है। भगवान ने उसमें इतना विराट रूप दिखाया, दुर्योधन फिर भी नहीं समझ पाया, भगवान का विराट रूप देख के भी नहीं समझ पाया कि भगवान कौन है। तो ये आमंत्रण दुर्योधन को भी है, आमंत्रण रावण को भी है, रावण को भी दिया था भगवान ने आमंत्रण। ऐसा नहीं कि राम ने विभीषण को बुलाया रावण को नहीं बुलाया, रावण को भी बुलाया, हनुमान जी रावण जी को बुलाने गए, अंगद बुलाने गए, लेकिन रावण ने सुना किसी को नहीं। जो सुनते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। आमंत्रण सबको जाता है पर जो सुनते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। ये शरणम का ब्रज का बुलावा सभी के लिए, हमारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, हम सब के लिए है। और ये मीरा के लिए भी है, बेचैन हो जाती है, कहती है ये डगर कठिन तो है, आमंत्रण तो है, लेकिन इस डगर पर चलना कठिन। वो कहती हैं सूली ऊपर सेज प्रिया की, सूली ऊपर सेज प्रिया की किस विधि मिलना होए। कृष्ण की परम भक्त मीरा, कबीर कहते हैं गगन मंडल में, लेकिन जो चलता है वो देखता है भगवान है बुला रहे हैं। जो चित्त की पढ़ते हैं, चित्त के अवरोध हैं, अहंकार के कपाट हैं, वो कैसे खुलेंगे, बड़ा कठिन। अहंकार के कपाट खुलना बहुत कठिन, जिसके अहंकार के कपाट खुल गए वो फिर रास्ता मिल जाता है, बड़ा दुष्कर है, बड़ी भारी कर्म राशि है। पतंजलि चित्त में कर्म राशि की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, वो कहते हैं बड़े कठिन अवरोध हैं, बड़े जटिल अवरोध हैं, बड़े जटिल बंधन हैं। अब देखो कितनी आबादी है, पूरे विश्व, विश्व की आबादी कितनी है, करीब 6 अरब है, 6 अरब है ना, है 8 अरब बढ़ गई, 8 अरब आबादी है, 8 अरब लोगों की कर्म राशि कितनी बड़ी होगी कल्पना करो। और ये सब के सब जाना चाहें अगर भगवान के यहाँ, कितनी बड़ी बात है, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सब के सब कर्म राशि से उससे बंधे हुए हैं, अपने विघ्नों से ये नहीं जा सकते। बंगाल बंगला में एक भजन है, तुम्ही डाकते पारो, सुना है किसी ने, तुम्ही डाकते पारो, तुम पुकारते चलो, बस पुकारते चलो, कभी न कभी तो सुनेगा, कभी सुनो, तुम्हें पुकारते तुम्हें पुकारते वो आ जाए। गांव में जब एक आदमी किसी को पुकारता है, दूसरा भी आवाज़ देता है कहाँ है, तो सुनाई पड़ जाता है कहाँ है। भगवान कहते हैं ये यात्रा अंतर यात्रा है, ये शुद्धि की यात्रा है, अहंकार का पट खोलने की यात्रा है, अहंकार को गिराने की यात्रा है। अहंकार में तो सारे के सारे पाप अटके हुए हैं हमारे, अहंकार में ही सारे के सारे हमारे लपेटे लगे हुए हैं, सब भार, हम गिरा तो सब गिरा। आपको लगते लगेगा कि हमने तो कभी अहंकार दिखाया ही नहीं, आपको नहीं मालूम, आपके गुरु को मालूम,
आपके भगवान को मालूम कहाँ है अहंकार, किधर है वो अहंकार। आपको कई बार परेशान करता है पर आप मानते नहीं। भगवान कहते हैं अहम तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ये परमेश्वर का वचन है, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। ईसा मसीह कहते हैं स्वर्ग के राज्य में, मेरे पिता के राज्य में सुई के छेद से ऊंट भी निकल सकते हैं। ये एक बाइबल का वाक्य है, स्वर्ग के राज्य में मेरे पिता के राज्य में सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है। अगर वो निकल सकता है तो फिर मैं कौन हूँ, मैं भी तो उससे उससे योग्य हूँ। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। क्या संभव है क्या असंभव, तुम्हारा काम केवल ब्रज तक है, तुम्हारा काम केवल ब्रज तक है, तुम्हारा काम केवल चलने तक है। भगवान कहते हैं तुम केवल चल के दिखा दो बस, बाकी सब काम मैं कर दूंगा। भगवान के रास्ते पर चल के दिखा दो, बाकी सब काम मैं कर दूंगा, होता जाएगा, सब अपने आप होते। मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ, तुम मुझे पुकार के देखो। भगवान कहते हैं अहम में लिपटे हुए पाप विचार, पापयुक्त विचार विषाद अहम विसर्जित हो तब सब विसर्जित हो जाता है। भगवान कहते हैं ये जो है ईश्वर का आश्वासन, ईश्वर की प्रतिज्ञा है, आ जाओ मेरे पास। ईश्वर की प्रतिज्ञा है कि आ जाओ मेरे पास। संसार जो कहते हैं कि संसार तो कभी नहीं छोड़ता, अहम तो आसन पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ये आश्वासन है उनका कि शोक छूटता नहीं है। महात्मा बुद्ध एक कहानी सुनाते थे, बड़ी सुंदर कहानी, बहुत बड़ी कौवे की कहानी। भिक्षुओं को एक कहानी सुनाई उन्होंने, बड़ी विचित्र कहानी है। एक कौवा था, उसने देखा नदी की जलधारा में एक हाथी बहा जा रहा है। कौवा मांसाहारी पक्षी है, मांस खाता है, मरा हुआ जीव जंतुओं का मांस खाता है। उसने सोचा ये अच्छा डिनर हो गया अपना तो बढ़िया, इतना बड़ा हाथी मिल गया जिस पर तैरते हुए चलेंगे हम, मरे हुए कीड़े मकोड़े मरे हुए पक्षी मरे हुए जानवर सब कौवा खा जाता है। हाथी को देखा तो उसने कहा न जाने कितने दिनों का खाना मिल गया, जीवन भर चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें जीवन भर के लिए खाने का मिल गया है। हाथी खाएंगे मजे से, पानी पियेंगे। हाथी के ऊपर बैठा, उसे कुरेदा, उसका मांस निकाल के खाया, फिर पानी पिया, सब कुछ था वहाँ, डिनर था, पानी था, किसी को लेना नहीं था, उसी को देना था, बहुत प्रसन्न हो। इतना सारा भोजन, जैसे कोई मिष्ठान प्रेमी हो, देखो ये नवरात्रि चल रही है और आप लोग सब फलाहार कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे हो तो भी कम से कम कुछ तो कंट्रोल है अपने ऊपर। पर वो कौवा तो मांसाहारी था, कौवे को मिल गया सब कुछ, पूरी हलवाई की दुकान मिल गई उसको, तो हम आराम से खाएंगे, अब क्या कमी रह गई। कौवा हाथी को देखता और प्रसन्न हो जाता देखते देखते, बोले वाह क्या बात। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, एक महीना बीता, कौवा उसके साथ साथ उड़ता गया। हाथी तो तैर रहा है और कौवा उसके ऊपर बैठा हुआ है, और कौवे की चोंच उसके मांस में लगी हुई है। उसका कोई भागीदार भी नहीं था, आसपास कोई कौवा भी नहीं था। एक समझदार पक्षी वहाँ से निकला, उसने कहा कौवा महाराज इस हाथी का चक्कर छोड़ो, तुम हाथी को हत्याना चाहते हो ना इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। तो पक्षी बोला नहीं, इस हम सब इन सब का अंत हो जाएगा, तुम अपनी जान बचाओ, ये नदी जीवन की नदी है, ये मृत्यु के समुद्र में जा करके विसर्जित हो जाएगी, ये हाथी भी तुम्हारा छूट जाएगा। कौवा बोलो बेकार की बातें, हमें मिला है हाथी तो हम तो खाएंगे इसको। कौवे ने किसी की नहीं सुनी। बुद्ध कहते हैं कि वो मरे हुए हाथी को छोड़ न सका, उसकी दिनचर्या यही थी वो आराम से उस हाथी पे बैठा रहता और नदी बह रही थी, जलधारा बह रही थी, हाथी बह रहा था नदी के साथ। कुछ दिनों बाद एक ज्वार आया, हाथी उछला, वो समुद्र में जाके गिर गया, समुद्र के किनारे आ गया था, नदी को समुद्र में मिलना था। अब कौवा भी हाथी पे बैठा बैठा समुद्र में गिर गया, कौवा समुद्र में गिर गया तो हाथी तो समुद्र की लहरों में समा कर डूब गया, कौवा क्या करे। समुद्र की विशाल जल राशि में कौवा कहाँ जाए, भाग कर जाए भी तो कहाँ जाए, वो तो समुद्र में चला गया। नदी थोड़ी थी कि उसके दोनों तरफ किनारे थे, उसको दिशा भ्रम भी हो गया, कौवा भागे भी तो कहाँ भागे,
भाग नहीं पाया, छटपटाया, तिल मिलाया, घबराया और अंत में जलीय जंतु, जल के जंतु उसको कौवे को खा गए, समाप्त हो गया वो। बुद्ध कहते हैं अरे भिक्षु, हमारा जीवन, हमारी जीवन नदी भी बह रही है और हम खा रहे हैं नियमित रूप से भोजन, हम सांसारिक भोग विलास में कौवे की तरह पकड़े बैठे हैं, मृत्यु नदी में समा जाएंगे, वो मृत्यु सागर में समा जाएंगे, और आसक्ति छोड़ सको तो छोड़ो, मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ ब्रज, चलो थोड़ा चलना सीखो, नहीं तो हमारी गति कौवे की तरह से होगी। भगवान कहते हैं भगवान का बड़ा मीठा आश्वासन, इतना मीठा आश्वासन भगवान ने किसी को नहीं दिया जितना हमको दिया है। प्रभु की बड़ी मीठी वाणी है, मधुर वाणी है, भटकनों से, उलझनों से, संतापों से मुक्त करना चाहती है। जगह जगह सार संक्षेप में लिखा हुआ है, एक बुद्ध कथा है, भगवान बुद्ध ने कौवे कथा सुना, कहा हाथी में कौवा आसक्त था कि हमारा भोग विलास कभी खत्म नहीं होगा और अंततः खत्म हो। दूसरी कहानी बुद्ध की, भगवान कहते हैं सब धर्मान परित्यज्य, बहुत भटकन है। भगवान बुद्ध का एक भक्त था, नाम था भिक्षु एक दान, भिक्षु एक दान। भगवान बुद्ध के परम भक्त थे लेकिन पूरी तरह से अनपढ़ थे, विद्वान नहीं थे, भगवान बुद्ध के साथ भी नहीं रहते थे, और जंगल में रहते थे। बुद्ध के शिष्यों में बहुत विद्वान लोग थे, एक से एक पंडित, सारिपुत्र, मुद्गल नायन महापंडित, कितने बड़े विद्वान, कितने तपस्वी। भिक्षु एक दानु को बहुत ज्ञान नहीं था, उन्होंने त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक ये बौद्ध ग्रंथ की किताब है पूरी, त्रिपिटक, त्रिपिटक भी नहीं पढ़ा था, उन्होंने कथाएं भी नहीं पढ़ी थी, उन्हें इतना समझ में आया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, उनको एक 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 शब्द लाइन समझ में आई, बुद्धम शरणम गच्छामि। हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम भूलो मत, परेशान मत हो, बहुत सारी बातें तुम्हें नहीं समझ में आती, इसके लिए तुम परेशान मत हो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मामेकम शरणम भज, इसी तरह बुद्धम शरणम गच्छामि, ये भी तुम याद रखो। एक दान जंगल में रहते थे और वन प्रांत में रहते थे, उन दिनों वन हरे भरे हुआ करते थे, वन में उन्हें जो मिल जाता था उसे खा लेते थे, अपने ध्यान में, अपनी प्रार्थना में, अपने गीतों में, अपने भजन में डूब जाते और बुद्ध का गान करते थे, बुद्ध की बुद्धम शरणम गच्छामि बीच बीच में बोलते जाते हैं। अपने अंदर बुद्ध को तलाश दिया था उन्होंने, संबुद्ध को तलाश दिया था। ये जो श्लोक में बता रहे हैं इसका सार अगर आप शब्द में कहें तो समर्पण, समर्पण है। ये जो आज श्लोक बताया ना आपको, ये समर्पण है समाधि की ओर यात्रा, साधना से समाधि की ओर यात्रा, समर्पण से समाधि की ओर यात्रा। भिक्षु एक दानु की ये बात समझ में आ गई, मामेकम शरणम ब्रज, ये बात उन्हें समझ में आ गई, इसी का अभ्यास करते थे वन में बैठ करके, भगवान बुद्ध से का ध्यान करते थे और कहते थे मामेकम शरणम ब्रज, और भगवान आप मुझे स्वीकार करिए। दिन भर जो अभ्यास करते शाम के समय बोलते थे, भगवान बुद्ध कहते थे जो तुमने समझा उसे तुम दूसरों को समझाओ। ये केवल एक बात समझ में आई, बुद्धम शरणम गच्छा, तो जब एक दान शाम के समय बैठते थे यही प्रवचन देते, बुद्धम शरणम गच्छा, धम्मम शरणम गच्छा, संगम शरणम गच्छा, जब वैसा कहते तो देवलोक से फूल बरसते थे, देवलोक से फूल बरसते थे, वृक्ष अपने फूल खाली कर देते थे सबके ऊपर, पूरा वन प्रांत, वहाँ के वृक्ष, वहाँ के जीव जंतु सब में खुशी की लहर छा जाती, और पूरा वन प्रांत, पक्षी जब वो तीन मंत्र बोलते थे वहाँ के जीव जंतु सब में खुशी की लहर आ जाती। एक दानु कहते ये भगवान बुद्ध के तीनों वचन तीन नहीं है बल्कि एक ही है, बुद्धत्व में सब कुछ है, बुद्धत्व में धर्म है, बुद्धत्व में संघ है, बुद्ध के अलावा कुछ भी नहीं है, ये बात वो सबको समझाते थे। इसे सुनकर सभी प्राणियों में हर्ष की लहर आ जाती, आहा क्या बात कही आज एक दानु ने, क्या बात कही। एक दानु की ये कथा भिक्षु संघ में पहुँच गई, किन लोगों में, जो भिक्षु बुद्ध के साथ बैठते थे
लोगों ने कहा भाई ये अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, उनके महिमा पूरे वन में व्याप्त है, वन का कायाकल्प हो गया, प्रकृति की अलौकिक कृपा है, क्या प्रवचन देता होगा। तो बुद्ध कहते तुम जाओ सुनो उसको। तो एक शिष्य बोलता है तो रिपट गंवा रहे, उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, रिपिटक नहीं मालूम उसको क्या होता है, ऐसे में क्या फ़ायदा। लोगों की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए, कहा आजकल एक दानों की महिमा कही जा रही है, तुम जाकर परीक्षा ले लो। ये लोग पहुँचे सब वन प्रांत में, भिक्षु एक दानों बोले हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, हमें तो बस एक ही बात समझ में आ गई कि बुद्धम शरणम गच्छामि। एक दानों बोले हमको तो एक ही बात समझ में आई, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और हम तो यही बोलते हैं और यही बोलते हैं तो सारा वन जो है खिल जाता है पूरा पूरा। भिक्षु ने कहा हम तुमको समझाने आए हैं, ज्ञान देने आए हैं, हम बहुत अच्छा प्रवचन भी करते हैं, तुमको प्रवचन करना भी सिखाएंगे, हमारे यहाँ प्रवचन सिखाने के लिए बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रवचन आप, हाँ प्रवचन सिखाएंगे तो अच्छा है, हम तो इतना ही बोलते हैं केवल। भिक्षु एकदान बोले ठीक है महाराज, आप हमें ज्ञान दो, आपका ज्ञान मिलेगा तो हमको अच्छा लगेगा, पढ़े लिखे नहीं है महाराज, आप प्रवचन करो। एक दानों ने आसन लगाया, शिला पर बिछौना बिछाया, तो सब पे उनको बिठाया और उन भिक्षुओं के साथ उनके चेले भी थे वही बैठे। एक दानों भीड़ में सबसे पीछे बैठ गए, तो उन भिक्षुओं ने प्रवचन दिया, एक दानों सब सुनते रहे। लेकिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो प्रकृति में कुछ भी नहीं हुआ, एक भी फूल नहीं गिरा, एक भी पक्षी नहीं चहचहाया और न देवताओं के फूल बरसे, प्रवचन के उपरांत कुछ भी नहीं हुआ। चेलों ने बोला महाराज प्रवचन तो बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत अच्छा बोला, भिक्षु से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा भिक्षु से तुम्हारे प्रवचन के बारे में बहुत सुना है कि आपके प्रवचन सुनकर वन गूंजने लगते हैं, पर आज तो कुछ भी नहीं हुआ, हमको तो कुछ आता जाता नहीं है। एक दानों ने कहा आप जो आप कहोगे हम बोल देंगे। इन भिक्षुओं ने एक दानों से भी प्रवचन करने के लिए कहा। भिक्षु एक दानु प्रवचन के आसन पर आगे बैठ गए और उन्होंने बोलना चालू किया, ध्यान में मग्न होकर अपने बुद्धत्व को उन्होंने जागृत किया और ध्यानस्थ होकर उन्होंने वही कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बस इतनी बात कही। उतना कहते ही उनके वन पशु बोलने लगे, पक्षी चहचहा उठे, इतने पुष्पदार वृक्ष थे उन्होंने वृक्षों से फूल झड़ने लगे। जबकि यही बात वो लोग बोल रहे थे तब नहीं हो रही थी, देवलोक से दिव्य गंध वाले फूलों भी झड़ने लगे, देवता भी उनके प्रवचन सुनने के लिए आ गए। भिक्षु एक दानु बोल रहे, एक दानु बोल रहे हैं चलो सुनो। सबने अपनी आँखों से देखा और विश्वास कौन करे, इस घटना पर कौन भरोसा ना करे। एक दानु के प्रवचन के बोल सुनते ही पक्षियों वन पशुओं के कोलाहल से वन प्रांत गूंज उठा। उन विद्वान भिक्षुओं ने कहा नहीं, एक दानु के प्रवचन में कुछ बात जरूर है। बुद्ध का संग था, बुद्ध का साथ था, उन भिक्षुओं की निद्रा टूटी, बुद्धिकता का अहंकार टूटा, कुछ तो है उनमें, ये एक दानु रिक्त नहीं है। भगवान बुद्ध के पास एक दानु की कथा लेके गए। बुद्ध ने कहा एक दानु ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का रहस्य जान लिया है और तुमने नहीं जाना, तुम तो केवल बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, केवल उन शब्दों से नहीं बल्कि तत्व से जाना है। उनका व्रज अब पूरा हो गया है और वो समर्पण से संबोधि तक पहुंच गए। महाराज हम क्या करें, हम यहाँ बुलाएं उनको एक दानों को। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बुलाओ मत, तुम उससे सीखो। चार हैं भिक्षु ने पूछा भगवान परित्यज्य का मतलब क्या होता है, तो अब मैं आज थोड़ा सा एक रहस्यमय बात बता रहा हूँ, परित्यज्य का मतलब क्या होता है, छोड़ना, परित्यज्य मतलब छोड़ो। पहला परित्यज्य है भवाश्रव, भवाश्रव पहली आ सकती है भवाश्रव। भगवान बुद्ध ने कहा स्वर्ग की कामना, मोक्ष की कामना, हम इस जन्म में ये करेंगे अगले जन्म में वो करेंगे अगले जन्म में ये करेंगे मोक्ष की कामना, ये जो छोड़ दे वो भवाश्रय। दूसरा आश्रय है, आश्रव है कामाश्रव, जितनी हमारी लौकिक कामनाएं हैं वो तो पारलौकिक हो गई, ये लौकिक लौकिक कामना, हमारे मन में कुछ भी नहीं रहे, हमारे मन में रोज नई नई इच्छाएं,
नई नई कामनाएं पैदा होती हैं कि कामाश्रु। मेरा मन एक क्षण भी कामाश्रु के बिना ठंडा नहीं रह सकता। पहला आश्रय है आश्रव। मैं जो बोल रहा हूँ आश्रव बोल रहा हूँ मैं आश्रव आ श्र व, ठीक है ना, करेक्शन कर लेना। एक काम कामधेनु का ये कामाश्रव क्षीण हो चुका है, उसे किसी कामाश्रव का आश्रय नहीं। भवाश्रव कामाश्रव तीसरा आश्रव है दृष्टाश्रव। ये कहते हैं दृष्टि हमारे मत का आग्रह, हमारे पथ का आग्रह। हमारा मत मानो, हमारा पद पंथ मानो, हमारा कुल, हमारा धर्म, हमारे पद पंथ, हमारे सिद्धांत, इनसे जो बंधे हुए हैं, इनकी आसक्ति को स्वीकारा है, इनको मानो। भगवान ने कहा इनको जो छोड़ देता है वो भवाश्रम दृष्टाश्रम। और तीसरा है, चौथा है अविद्याश्रम, मैं का आश्रव। मैं कौन हूँ? जज हूँ। मैं कौन हूँ? डॉक्टर हूँ। मैं कौन हूँ? सेठ हूँ। मैं कौन हूँ? कारखाने का मालिक हूँ। ये मैं जो मैंपन जो है ये अंतिम आश्रव है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये चारों आश्रव एक दानु के क्षीण हो चुके हैं, उसके उसके पास कोई भी आश्रव नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि चारों आश्रव क्षीण हो गए, इसीलिए वो बंधा हुआ नहीं है। अब वो जान चुका है सर्वधर्मान परित्यज। जब हम बोलते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज, तो सर्वधर्मान मतलब ये चारों आश्रव छोड़ दिए, प्रतिष्ठित हो गए भगवान की शरण। चारों आश्रव आए थे, चार आश्रव जो भी हैं वो छोड़ने के बाद मेरे जीवन में केवल भगवान है और कुछ। तो भिक्षुओं, मैं तुमको थोड़ा एक बौद्ध धर्म में जो एक उक्ति है वो धम्म गाथा सुनाता हूँ। न तेन पंडितो होती, भाषा भाषा उस जमाने की। न तेन पंडितो होती, होती आवता बहु भामती, खेमी अवेदी अभवो पंडितोती अवचित उच्चती। लिखने की जरूरत नहीं तुमको, कोई जरूरत नहीं। ये वहाँ की भाषा है जो उस समय बोली जाती थी। भिक्षुओं इसके अर्थ है, भिक्षु बहुत बोलने से, बहुत भाषण देने से, बहुत पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। बहुत बोलने से, बहुत भाषण देने से, बहुत पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। तुमने बहुत किताबें पढ़ ली तो तुम पंडित हो गए? नहीं। तुम बहुत बोल लिए तो पंडित हो गए क्या? नहीं। फिर कोई कैसे पंडित होता है? खेमो 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 क्षेमवान क्षेमवान, जिसका किसी से बैर नहीं है और जो आराम से अपनी बात कहता है, अपने गुरु की बात कहता है, इसका किसी से बैर नहीं है। अभयो, जो अपने अंदर भगवान की शरण में पहुंच गया है। ब्रज, जिसने जीवन में साथ लिया है, जो अभय हो जाता है। पंडितोती, वही पंडित है। अब वो उच्चती, ऐसा मैं बोल रहा हूँ बहुत भाषण से को पंडित नहीं होता, बल्कि क्षेमवान अभेरी अभियो होने वाला पंडित है। बस समापन के नज़दीक पहुँच रहे हैं हमने। भगवान बुद्ध ने धम्म गाथा कही और ये मर्म कहा, वही मर्म उपनिषदों में कहा गया है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, ये उपनिषद में आया है। ये आत्मा प्रवचन करने वालों को प्राप्त नहीं होती, बहुत विद्वान हो तब भी नहीं, बहुत सुन लिया तब भी नहीं, बहुत श्रुत हो तो भी नहीं, बहुत सारे शास्त्रों सुन लिए तो। तुमने मेरे लेक्चर बहुत सारे सुने होंगे पर तब भी नहीं, तब जब तुम्हारे जीवन में उतरे गाँव में, जिसको ये वर्ण कर लेता है उसी को ये आत्मा प्राप्त होती है। भगवान ने कहा है अंगुष्ठ मात्रम, मैं अंगुष्ठ मात्र शरीर हूँ, मुझे यहाँ यहाँ ध्यान ध्यान करो। भगवान अपने रहने का ठिकाना ही बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ये मैंपन ही अविद्या का व्रत है, इससे जिस अविद्या से मुक्ति पानी है मैंपन को छोड़ दीजिए। एक जर्मन फकीर थे, लास्ट कहानी, एक जर्मन फकीर थे, एक हार्ट, एक हार्ट, एक हार रट, एक हार्ट। उन्होंने बात जान ली थी कैसे, ईसा की तरह मंसूर की तरह, वैसे इनका जन्म ईसाई धर्म हुआ था, लेकिन भगवान की शरण में जाना कैसे
इन्होंने सीख लिया था। एक दानु की तरह एक दानु ने जाना था, वही एकहार्ट ने भी जाना था। इसको अपने हृदय में आश्रय मिल गया, इसको परमेश्वर की शरण में आश्रय मिल गया, फिर उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। रामकथा में एक प्रसंग आता है जब मंदोदरी ने रावण को राम का स्वरूप समझाया और कहा, विश्वरूप रघुवंश बनी, विश्वरूप रघुवंश बनी मनी, करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। रामचरितमानस छठा इन्हें लंका कांड, उसका चौदवा दोहा, 6/14। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए, द्रौपदी बोल रही है, ये मंदोदरी बोल रही है, रघुकुल के शिरोमणि राम जी आए हुए हैं, ये सामान्य मनुष्य नहीं है, सारा विश्व उन्हीं का है रूप, वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करता है। जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया, दुर्योधन की कुरुसभा में जाकर कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाया, उसी तरह मंदोदर ने रावण को ऐसा कुछ दिखाया नहीं बल्कि केवल बताया, समझाने की कोशिश की। मंदोदर कहती है, पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, रिकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कजघनमा। भगवान का विराट रूप बताया उसने अपने पति को रावण को, कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम क्यों नहीं अभी वापस अपने आप को ले लेते। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है और अन्य बीच के लोगों का विश्राम इनके अन्य विभिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालक है, सूर्य जिनके नेत्र हैं, बादलों के समूह जिनके बाल है, वही श्री राम है। बता रही है, युद्ध से पहले बता रही है, जासु घ्रान अश्विनी कुमारा, निशी अरु दिवस निमेश अपारा, श्रवण दिशा दस्त वेद वखानी, मारुत श्वास निगम निजबानी, अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान, मनुज बास सचराच रूप राम भगवान। एक शत्रु के नरेश हैं रावण, और उनकी पत्नी कह रही समझा रही है कि शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, चंद्रमा जिनका मन है, महान विष्णु ही चित्त हैं, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है आपको आपका नाश करने के लिए, स्पष्ट बोल रही। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर सामने देखो तो विराट विश्व में ही हूँ, अपने हृदय में झांको तो आप तुम्हारे हृदय में मेरा ही वास, फिर चाहे विश्वरूप भगवान को देखो चाहे किसी को भी। मंदोदरी रावण से कहती, अस विचार सुन प्राणपति, प्रभुसन वैरु विहाई, प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहिवात ने। रामचरितमानस 6/15 ख, ये छठे छठा यानी लंका कांड, 15 यानी लोहा दोहा। ऐसा जान करके, हे पति परमेश्वर, तुम प्रभु की शरण में जाओ, तुम्हारा अभी भी उद्धार हो सकता है, तुम्हारी जान अभी भी बच सकती है। ऐसा कोई अगर अंतिम समय में बताए तो किसी को अकल आ जाती है, पर रावण को अकल नहीं आती, रावण को नहीं आती। रावण कहता है, मैं तो मारूँगा। अब श्रद्धावान तो समर्पण और संबोधि का मतलब समझते हैं, श्रद्धया सत्यमापित, लेकिन रावण तो अहंकारी था। सबसे बड़ा संकट रावण के साथ ये था कि वो अहंकार था। मंदोदरी की बातें सुनकर रावण कहता है, मैं तुम्हारी बात तो समझ गया, कि तुम मेरी प्रशंसा कर रही हो, ये मेरी समझ में आ गया, इस तरह अहंकार को कुछ समझ में नहीं आता। वो एक बात कहते हैं रावण कि जो तुम बात कह रही हो ये सब मेरे बारे में है, तो जो तुम वर्णन कर रही हो कि आँख में ये हैं और ये सब मेरा, मैं हूँ। अहंकार कहता है कि तुम राम के बारे में कह रहे हो, मैं अपने बारे में समझ रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं पा रही हो कि तुम क्या कह रही हो। भगवान श्रद्धावान ही सब कुछ समझ पाते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है वो पकार श्रद्धा नहीं है, वो समर्पण की राह नहीं चुन पाते। पुकार तो हर एक के लिए है, लेकिन जो श्रद्धावान है वो सुनते हैं, भक्तिमान जिनका हृदय है वो समझते हैं समर्पण की राह पर, शरणागति की राह पर। और उसके बाद फिर जैसे अंत होता है वैसा अंत उसका हुआ।
थोड़ा सा प्रसंग में रामचरितमानस से बताता हूँ तुमको। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए प्रभु, मेरे उकुल के शिरोमणि रामचंद्र जी विश्व रूप हो, इस सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोग की कल्पना करते हैं वह श्री राम ही हैं। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है और अन्य लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन करते हैं वे भगवान राम हैं। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। ये जो बाल है ना, बादलों का समूह भगवान, वो व्याख्या कर रही। जासु प्राण अश्विनी कुमारा, निसी अरु दिवस निमेश मारा अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजबान। अब इतना होने के बाद जो रावण कहता है वो तो मैं सुना दूं आपको, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा कि शत्रु जो है कैसा अहंकारी होता है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, इससे मेरा सुहाग न जाए। दमयंती कहती मेरा सुहाग न जाए, इसलिए आप रघुवीर से प्रेम कीजिए। ये कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है प्रसंग, बताइए। युद्ध क्षेत्र में रावण को मंदोदरी सुना रही। तो रावण खूब हंसा। बिहसा नारी बचन सुनी करना, अहो मोह महिमा बलवाना। खूब हंसा, बोला मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण रहते हैं। क्या अवगुण हैं? साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, और अविवेक है ना मूर्खता लिख, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र रूप गाया, मुझे उसका बड़ा भारी भय सुना है। तो वो कहते हैं, हे प्रिय, यह सब चराचर विशुद्ध स्वभाव से मेरे वश में है, ये सब मेरे ही वश में चल रहा है पूरा पूरा अहंकार। तेरी कृपा से मुझे अभी समझ पड़ा है, हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया हूँ, इसी प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। अरे देखो क्या बोल रहा है वो, रावण बोल रहा है तूने अभी जो वर्णन किया वो तो मेरी प्रभुता का है, रावण राम का तो नहीं है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली। मंदोदरी ने मन में से निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। समुद्र के किनारे खड़ा है ना, इसको मति भ्रम हो गया है, इसको आइडिया नहीं है कि क्या है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करता हुआ रावण को सवेरा हो गया, तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में बंधा लंकापति सभा में गया और बोला, बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फलता बोलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ही ज्ञाने गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में छेद नहीं होता। हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसने वाले, हे बुद्धिबल, अभी ये सबके सब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मान लो। रावण को सारा वर्णन सुनाने के बाद रावण कहता है कि ये तो तू राम का जिक्र नहीं किया, तूने मेरा जिक्र किया है कि मैं हूँ, ये मैं ये मैं ही सारी समस्याओं का कारण, मैं। बस इससे हम बचें तो बहुत बढ़िया। मैं से मुक्ति करना मतलब अपने जीवन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं। भगवान की कृपा है कि हम लोग सभी यहाँ बैठे हैं गुरुदेव कृपा से। ओ यम ब्रह्मवेदान्तमिदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये ईश्वोत्कते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैस्ताङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा
देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीत। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, या कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायी, निर्मल मल हारी, या निर्मल मल हारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारी, कारिणी मोद सदा, या कारिणी मोद सदा, अव भय हारिणी तारिणी, अव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, या नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख के वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा की जय, मातु कृपा की जय, हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर दीजिए। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। सभी लोग हाथ उठा लें, आरती ग्रहण करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें, कभी भी कहीं भी डाउनलोड करें। शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।